हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि गैलरी से फ़ोटो ऐड नहीं कर पाते, या फिर जब ये माई गैलरी ओपन करते हैं तो यहाँ पे कोई फ़ोटोज़ नहीं आती है उनके में। तो उसका रीज़न ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं इबिस पेंटेक्स, आपने मतलब अभी डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, एंड जब आप इबिस पेंट ऐसे खोलेंगे तो ये सरफेस आएगा, इंटरफेस आएगा। देन आप जब माई गैलरी करेंगे यहाँ पे आपको कुछ नहीं शो करेगा, क्योंकि आपने अभी तक कोई आर्ट बनाई नहीं है, कोई प्रोजेक्ट ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है लेफ्ट कॉर्नर में, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आपको पूछेगा आपको किस साइज़ का कैनवास चाहिए, कितना बड़ा। तो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको अलग अलग साइज़ मिल जाते हैं, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको साइज़ अपने हिसाब से चाहिए कि इतना इतना होना चाहिए, तो आप यहाँ से ये जो स्लाइडर है इसको ऐसे आगे पीछे करके कर सकते हैं। और अगर ये ऐसे एक्यूरेट नहीं आ रहा है फिंगर से मूव करने से, तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं आपको जो भी चाहिए ऐसे। ठीक है, सो मैं दिखाती हूँ एक कैनवास लेके, लाइक मैंने ले लिया ये वाला, तो ये ऐसे हमारा कैनवस ओपन हो जाएगा जिस साइज़ का हमने सेलेक्ट किया था। पर अगर आप चाहते हैं कि ये वाइट कैनवस आप ना सेलेक्ट करें, कोई इमेज सेलेक्ट करें, आपको उस इमेज के ऊपर ड्रॉ करना है, सो उसके लिए ये प्लस का आइकन क्लिक किया, यहाँ आपको टॉप पे ऑप्शन दिख रहा है इंपोर्ट पिक्चर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये गैलरी ओपन कर देगा, फ़ोन वाली जो गैलरी होती है वो। पर ये गैलरी कुछ इस टाइप की शो होगी, सो आपको अगर अपनी एक्चुअल गैलरी में जाना है, सो ये जो साइड में थ्री लाइंस हैं टॉप कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करेंगे, देन नीचे आ जाएंगे, आपका गैलरी या फ़ोटोज़ जो भी होगा वो यहाँ पे ऐसे लिख के आएगा, आप उस पर टैप करेंगे तो वो जो एक्चुअल एंड्रॉयड गैलरी होती है ये वो ओपन कर देगा। देन यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको करना है, लाइक मैंने अभी ये इमेज सेलेक्ट की है, तो वो पहले वाइट कैनवास आ रहा था क्योंकि हमने साइज़ सेलेक्ट किया था, हमको प्लेन चाहिए था, और अब हमको इमेज पे ड्रॉ करना है, हमको इमेज डायरेक्ट एक्सपोर्ट करनी थी इंपोर्ट, सो ये वो हो गया। अब लोगों को यहाँ पे कैनवास के अंदर भी इमेज ऐड करने में प्रॉब्लम आती है, सो वो कैसे करते हैं, यहाँ लेयर के ऑप्शन पर आएंगे, ये जो वन लिखा है यहाँ पे वन, सो ये लेयर्स हैं। ओके, सो लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ये जो कैमरे का दिख रहा है आइकन, इस पर क्लिक करेंगे तो अगेन ये गैलरी ओपन कर देगा। अगेन आपको ये वाली गैलरी शो करेगी, आप अगर यहाँ पे इजी आपको पड़ता है देन आप यहीं से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ फ़ोटोज़ पे क्लिक करके अपनी एक्चुअल गैलरी में जाके इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ोल्डर वाइज शो करेगा, यहाँ के सारे फ़ोल्डर्स आ जाएंगे, एंड आपकी इमेज जिस भी फोल्डर में है आप वहाँ से उसको सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक दिस, लाइक मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली, नीचे वाली लेयर को मैं हाइड कर रही हूँ, ये इमेज हमने अभी अभी गैलरी से सेलेक्ट की है। सो ऐसे आप चाहें जितनी इमेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नीचे वाली लेयर को हमने हाइड किया था वो ये है, और इस लेयर को मूव कर सकते हैं यहाँ से, ये वाले ऑप्शन से ऐसे इस पर टैप करेंगे, सो आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, इसका पर्सपेक्टिव फॉर्म चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, और जिस किसी को भी डाउट हो कि कैसे इमेज ऐड करते हैं, माई गैलरी में इमेज क्यों नहीं शो होती है, सो आई होप उसके डाउट्स क्लियर हो गए हों। Thank you so much for watching this video. If it was helpful, please do like and tell me in comments if this was helpful. Bye, take care.